राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर जहां एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत आपसी बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश में जुटी है, वहीं इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने राम मंदिर पर जारी बहस के बीच कहा कि इस मुद्दे का इलाज अदालत में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में बहस करने की बजाय जनभावना का सम्मान करते हुए राम मंदिर अयोध्या में बन जाना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत देवघर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भागवत ने दावा किया कि मुस्लिम और ईसाई राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इनके नाम पर राजनीति करने वाले कट्टरपंथी और गुंडागर्दी करने वाले राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते, इसीलिए कोर्ट में बहस करने की बजाय भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर बन जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी, जहां चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा था इस तरह के संवेदनशील मसलों का हल आपसी सहमति से निकाला जाना बेहतर होगा। दोनों पक्षों को आपस में हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो कोर्ट मध्यस्थता कर सकता है। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो तो किसी जज को मध्यस्थता का जिम्मा दे सकते हैं। मैं खुद भी इस काम के लिए तैयार हूं। तो राम मंदिर पर जारी बहस के बीच अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उनका मानना है कि गुंडागर्दी करने वाले कट्टरपंथी राम मंदिर का विरोध करते हैं और इसी कारण राम मंदिर नहीं बन पा रहा, जबकि मुस्लिम राम मंदिर के पक्ष में है, इसीलिए कोर्ट में बहस की बजाय मंदिर बनवाया जाना चाहिए। देखते रहिए डीबी लाइव। We'll be right back.